कम्युनिटी के लिए है। और एक और मजेदार बात है, सरकार ने ये कहा कम्युनिटी का है, कम्युनिटी के लिए है, सिर्फ इतनी बात नहीं है भाई, ये आपके काम की बात ले लो। सरकार ने कहा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किसका है? कम्युनिटी। दमदार आवाज आ गई। किसका है? किसके लिए है? सरकार ने कहा इतनी सी बात नहीं है, इससे आगे की भी एक बात है। ये स्टेशन चलेगा तो आपका है, आपके लिए है, लेकिन आपके द्वारा भी होगा। वो कैसे होगा? सरकार ने नियम बना दिया कि इस स्टेशन के कम से कम 50% 50% कार्यक्रम जब मनमोहन सिंह जी बनाएंगे, उनकी टीम बनाएगी, तो सरकार ने कहा एक नियम रहेगा भाई, ये जो मर्जी बना दे ऐसे नहीं चलने वाला। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के कम से कम 50% प्रोग्राम, 50% कार्यक्रम वो स्थानीय जन समुदाय की सीधी सहभागिता के साथ बनाए जाएंगे। ये सरकार ने नियम तय कर दिया था जब मनमोहन जी को लाइसेंस दिया, एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। बात मजेदार है ना? यस सर। है कि नहीं? यस सर। और ये और मजेदार कैसे है, थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं। आप ना कॉलेज के स्टूडेंट्स का, स्कूल के स्टूडेंट्स कभी कभी ट्रिप पे जाते हैं, टूर वूर पे जाते हैं, तो आमतौर पे जो टूर के प्लानर है वो कहते हैं चलो ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन दिखा कर लाएंगे आपको, चंडीगढ़ का स्टेशन दिखाएंगे, शिमला गए तो चलो यार देख के आएंगे, दिल्ली गए तो डीडी का स्टूडियो देख के आएंगे। ये जो सरकारी स्टेशन है ना, वहां जाके आप कहने लग जाओ मैं तो प्रोग्राम दूंगा या दूंगी यहाँ पे आपके स्टेशन पे, तो वो आपको साफ साफ इनकार कर सकते हैं। वो कह सकते हैं भाई साहब चाहिए तुसी कौन, एक बार भी एक झटके में ये कह सकते हैं तुसी कौन, किधरों आगे आगे चलो बाहर निकलिए। लेकिन अगर यमुना नगर के रेडियो प्रेमी श्रीमंत मनमोहन सिंह के स्टेशन में जाएं और कहें हे मनमोहन सिंह जी हम आपके स्टेशन के कार्यक्रमों में सहभागिता करना चाहते हैं, तो मनमोहन सिंह जी नियमों से बंधे हुए हैं, मनमोहन जी को आपको कार्यक्रम में शामिल भी करना पड़ेगा, और जैसे वो कभी कभी मुझे चाय पिलाते हैं अपने आप बुला के, आपको चाय भी इतने ट्राई किए क्या? तो आज के इस कार्यक्रम के बाद आफ्टर दिस वर्कशॉप मजा तब है यमुनानगर वालों, जब इस स्टेशन की ओनरशिप जो मैंने आपको अभी अभी ट्रांसफर की है, सरकार ने बहुत पहले कर दी थी, अब उस स्टेशन की ओनरशिप में आप अपना हिस्सा लेने सीधे सीधे मनमोहन सिंह जी के दरवाजे पर चले जाओ। ये कम्युनिटी रेडियो का मायने है, ये कम्युनिटी रेडियो का संस्कार है, ये कम्युनिटी रेडियो की शैली है। ये बताना मैं समझता था कि रेडियो दिवस के बारे में बात करने से पहले बहुत आवश्यक। ये तो बात हुई कम्युनिटी रेडियो की, या भारत में किस किस तरह के रेडियो स्टेशन चलते हैं उन पे आप क्या कर सकते हैं। आज जो ये वर्कशॉप की है साझा की टीम ने, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, और फिर थोड़ा सा समय आपके लिए भी दूंगा इस मायने में कि एक माइक्रोफोन आपके पास होगा, ये जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसको पकड़ना आसान नहीं है, छोटी सी चीज है, बड़े काम की चीज है, लेकिन बड़े बड़ों की हवा निकाल देती है, हवा में बात करती है, लेकिन बड़े बड़ों की हवा टाइट करने का दम रखती है। कि माइक्रोफोन आपके बीच में आएगा, आपके मनों में कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनके उत्तर भी आपको देता चलूंगा। दुनिया में रेडियो का महत्व, कुछ लोगों को लगता था कि टेलीविजन आया तो रेडियो मारा जाए, और एक बार की फॉर अ ब्रीफ स्पैन ऑफ टाइम रेडियो थोड़ा सा कमजोर भी पड़ गया था, लेकिन जब एफएम टेक्नोलॉजी आई उसके बाद से हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं साहब टेलीविजन में चमक दमक अधिक हो सकती है,
टेलीविजन में क्योंकि विजुअल्स हैं, आंखें भी एंगेज होती हैं और कुछ दृश्य बहुत मनमोहक हो सकते हैं, लेकिन मनमोहन जी की रेडियो में जो काम वॉइस से होना है, साउंड से होना है, उसका महत्व वो कतई कम नहीं हुआ है, उसका प्रभाव कतई कम नहीं हुआ है। वो इसलिए कि एक दुनिया में आज भी जो हमारे परंपरागत मीडिया है, टेलीविजन, रेडियो, अखबार, ये बात गांठ बांध लीजिए कि उनकी पहुंच देखनी हो तो आज भी सबसे अधिक पहुंच अगर किसी की है तो वो रेडियो। ये मैंने आपको पहले ही बताया, संसार के तमाम परंपरागत माध्यमों में, संचार माध्यमों में सर्वाधिक पहुंच वो रेडियो की है, सर्वाधिक प्रभाव भी रेडियो का है। वो इसलिए कि टेलीविजन सब जगह पहुंचता नहीं, अखबार सब जगह हर घर में जाता नहीं, खरीदना पड़ेगा ना। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों में जाता हूं, गांव में जाता हूं, सुबह उठ के मांगा अखबार आता है भाई साहब आपके यहां, अखबार नहीं आता, लेकिन रेडियो का सिग्नल जरूर उनके दरवाजे पर पहुंचा हुआ है। उनके यहां अगर एक हैंडसेट है जिसमें FM है, उनके घर में कोई छोटा सा सौरपल्ली का अगर उन्होंने रेडियो सेट रखा हुआ है तो रेडियो का सिग्नल वहां पहुंचा हुआ है। इसलिए सस्ता और अधिक पहुंच वाला माध्यम रेडियो है टेलीविजन की तुलना में। अब अखबार, अखबार में दम है साहब, अखबार टेलीविजन आने के बाद भी अखबार का विस्तार हो रहा है, ऐसा कभी कभी अखबार के बारे में भी कहते थे। 10-11 साल पहले यह कहना शुरू किया था, 10-12 साल पहले जब टीवी एकदम बढ़ गया था कि अब ये अखबार वाले क्या करेंगे, ये कहां जाएंगे, खबरें तो 24 घंटे पे आ गई, 24 आवर्स खबरें हमको टेलीविजन पे मिलती हैं, इंटरनेट पे मिलती हैं। अब इंटरनेट तो हाल ही के दिनों में है, लेकिन अखबार मर जाएगा। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि कुछ भी हो गया हो, कहीं भी टेलीविजन चला गया हो, लेकिन अखबार पढ़ने वालों की संख्या हर साल बढ़ रही है। रीडरशिप सर्वे जो होते हैं अखबारों के, हर साल पता चलता है नए अखबार खुल रहे हैं और उनके उनके पढ़ने वालों की, रीडर्स की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन अखबार का भी तो एक संकट है, अखबार जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक उनको उनके किसी काम का है क्या? अखबार का आनंद अगर लेना है तो साक्षर होना पड़ेगा, और केवल साक्षर होने से काम नहीं चलेगा। मतलब दस्तखत करने आते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं, लेकिन अगर अखबार का पूरा लाभ लेना है तो कायदे से पढ़े लिखे आदमी को लाभ है ना उसका। तो अखबार की अपनी सीमाएं हैं, टेलीविजन की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के सामने असीम क्षमताओं के साथ, अनंत संभावनाओं के साथ रेडियो आज भी सबसे ज्यादा प्रभावी माध्यम है टेलीविजन की तुलना में। एक और कारण भी उसके प्रभावी होने का है, जस्ट इमेजिन एक सुबह का दृश्य, एक टेलीविजन का पॉपुलर प्रोग्राम आ रहा है, आप स्कूल कॉलेज या दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसी समय में वो शो आ रहा है, आप देख लेंगे क्या? नहीं देख सकते ना, आंखें भी एंगेज होंगी, आपको टिक के बैठना पड़ेगा अगर आपको उसका लुत्फ लेना है। उसी समय में किसी को शेव बनानी है, किसी को ब्रश करना है, नहीं हो सकता भाई। लेकिन आपका फेवरेट रेडियो शो आ रहा है, आप तैयार होने में लगे हुए हैं, आपको कोई एडिशनल एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, रेडियो आपकी आंखों को एंगेज नहीं करता, सारा काम साउंड से होता है और उसको वो एक जगह बैठ के आप सुनो ये आवश्यक नहीं है। रेडियो आने के बाद या FM आने के बाद कैसे कैसे बदलाव आए, आप सबने देखा होगा कि लंबे एक फेज ऐसा था FM का, जब तक प्रचलन ज्यादा नहीं हुआ था सबकी गाड़ी में क्या लगा होता था? FM था नहीं, MP3 या FM कम था, क्या लगा होता था? MP3 CD प्लेयर लगे थे, MP3 लगे थे। लेकिन आप दिल्ली जाए, आप मुंबई जाए, किसी मित्र की गाड़ी में बैठकर ट्रेवल करें, अभी अधिकांश लोग, हालांकि इंटरनेट आने के बाद थोड़ा बहुत बदलाव आ गया, आज भी अधिकांश लोग मेट्रो सिटीज में उसके गाड़ी में क्या सुन रहे होते हैं? रेडियो सुन रहे होते हैं। और रेडियो को एक नया बूस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है। लोगों को लगता था सरकार तो भूली गई होगी रेडियो को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के महत्व को समझते हुए
रेडियो की पहुंच की ताकत को समझते हुए, रेडियो की प्रभाव को समझते हुए मन की बात नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। देश के प्रधानमंत्री महीने में एक बार अंतिम रविवार को वो किसी न किसी आम जन के उपयोग के विषय को लेकर सीधे रेडियो पर संवाद करते हैं देश की जनता के साथ। अलग अलग भाषाओं में वो संदेश करोड़ों हिंदुस्तानियों तक जाता है। कोई भी टेलीविजन उतनी दूरी तक, कोई भी अखबार उतनी गहराई तक उस तरह के संदेश को पहुंचाने में सक्षम नहीं है। इसलिए आज जब रेडियो दिवस मनाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में कार्यशाला हम कर रहे हैं, तो हमको समझना पड़ेगा, हमको ये बात अपने भीतर उतारनी पड़ेगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि रेडियो जिंदगियों को छूने का दम रखता है, रेडियो दिलों को छूने का मौका रखता है, रेडियो लोगों को जोड़ने का दम रखता है, रेडियो कड़वाहटों को कम करने का दम रखता है, रेडियो जिंदगी में संगीत घोलने का दम रखता है, रेडियो तनाव को दूर करने की ताकत रखता है, रेडियो जीवन को रंगीन रंगमय आनंदमय बनाने का मात्रा रखता है। इसलिए रेडियो दिवस पर आइए संकल्प लें कि नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताकत के साथ हम रेडियो के साथ जुड़े। और आप लोग लकी हैं, सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास, आपके शहर में, हरियाणा के हर जिला केंद्र पर आज भी कम्युनिटी रेडियो नहीं है, यानी वहां की कम्युनिटी के पास ये ताकत नहीं है। दे कैन क्लेम, दे कैन स्टैंड अप एंड क्लेम, आई ओन, वी ओन अ रेडियो स्टेशन, यू कैन। कुरुक्षेत्र के पास अभी नहीं है, करनाल में हम अभी बनाने लग रहे हैं, जींद में कोई कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नहीं है, कैथल खाली पड़ा है, केवल अंबाला में, आपके पड़ोस में, ऐसे रोहतक में है, गुरुग्राम में है, हिसार में है, लेकिन बहुत सारे अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी ऐसे हैं जहां पर रेडियो नहीं है।